भाई मोदी तो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होगा, विपक्षी का टांग अड़ा रहे सरकार नहीं नहीं अभी मोदी करके मोदी जी का प्रचार करते हैं। डर डर तो उनको है जो सोते हैं नींद में भी मोदी जी सपने में आता है, नींद में भी मोदी मोदी करते हैं। कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता। अरे इन्हें सबकी इनकी नींद आराम हो रही है, क्या होगा? अगर इतना डर नहीं होता तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मंत्री है, उनको मत पड़ते थे विधानसभा चुनाव लड़ा। इस समय हम लाल किला के सामने मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? यहां पे मौजूद जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है 2024 में बदलाव फिर से नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? इंडिया का गठबंधन, इंडिया का गठबंधन बिल्कुल। कहा जा रहा है मोदी जी लगातार जो हैट्रिक मारेंगे। मोदी 150 सीट से ऊपर नहीं आ रही इनकी, 150 से नीचे रहेंगे। कह रहे मोदी जी 400 के पार 543 ही ला रहे, दूसरा क्या करेगा? 543 इनकी जेब में चली गई क्योंकि ऊपर वाले से लिखवा के लिया है। मोदी जी 15 अगस्त को यह झंडा देश आजादी का दुनिया खुशी मनाती है वो यहाँ दावा करके गए, उन्होंने ऊपर वाले से जाके लिखवा लाया मिलिया है कि मैं 543 सीट लेके आऊंगा, मैं ही हूँ इस देश का और कोई नहीं है देश में। जनता उनको चाह रही इसलिए उनको जनता तो बिल्कुल नकार चुकी है। देश की जनता 2024 में मुंह तोड़ जवाब देगी और सरकार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी केंद्र में। फिर से हर हर मोदी, हर घर मोदी। तो जो अनभक्तन इनके चश्मे चढ़े हुए हैं उन्होंने भगवान मान लिया है, वो सबको भूल गए। उनके लिए तो देश में मतलब सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है। राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया। तो ये राम मंदिर और ये धारा 370, तीन तलाक, ये खाने को थोड़ी दे रहे हैं। देश आज कहाँ पहुँच गया? जब 2014 में 56,000 करोड़ कर्जा था, आज 156,000 करोड़ कर्जा हो गया, 112वें नंबर पर भुखमरी देश पहुंच गया। तो कहां है देश का विकास? आप कर्जा करके दूसरे देश में हमें बर्बाद करना चाह रहे हो, दूसरे के देश में हमें कठपुतली बना रहे हो, दूसरे देश से कर्जा ले लेके बाहर से और विकास कर रहे हो, ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। देश विकसित तो हो रहा है ना? नहीं, कहां हो रहा है मुझे बता दो। आपको दिख नहीं रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, आपकी आंखों में काला पट्टी पड़ा बांधा हुआ है। अन भक्तों के काला पट्टी चढ़ गया है, मेरे नहीं है। वो तो भक्त हैं उनके, वो भक्त है ना, वो तो जनता उसका जवाब देगी। अन भक्तों को भी जनता बिल्कुल प्लान बना के कहती है जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। ऐसा राम का तो उन्होंने मेरा कहना नहीं चाहिए, मैं राम का मैं भी सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन राम को तो उन्होंने बेच खाया क्योंकि राम को तो चौराहे पे लिया है, सियासत राजनीति में लिया है, राम की तो और पोजीशन खराब कर दी। आप जो है राम भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आजम खान जेल में गए, आपकी भी अरेस्टिंग ना हो जाए? देखिए मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, मैंने क्या कहा, मैं भी सम्मान करता हूँ राम का, मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको उनके उनके नारे, उनकी पूजा पाठ मंदिरों में होती है, ना कि सड़कों पे आप वो करें। राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लगता है कि इंडिया गठबंधन आना चाहिए? इंडिया गठबंधन आएगा, जनता बदलाव करेगी। क्यों लगता है? कोई मुझे बता दो, वो एक बयान आ गया था उसके बाद इनका समझौता हो गया, कोई बयानबाजी नहीं होगी दोनों ने। पहले ही से आसार खुला समझ में आ रहा है कि फिर एक गठबंधन चलने वाला नहीं है। गठबंधन मजबूती से चलेगा और 2024 में सरकार बनाएगा। नहीं नहीं कोई नहीं कह रहा, वो एक दफे आ गया बयान, लेकिन उसके बाद में दोनों नेता, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे कोई बात हुई है, मीटिंग हुई है और उसमें अखिलेश का बयान भी आ गया कि कोई बयानबाजी ऐसी नहीं होगी। एक सभा हमारे उसने अपने सभी नेताओं को कह दिया कोई इस तरह का बयान ना करे, कोई ऐसी बात नहीं है। आजम खान जेल में चले गए, आप बच के रहिए, सरकार का विरोध कीजिएगा तो जा सकते हैं। नहीं, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हम, तो संविधान के हक में, ये देश संविधान से चलेगा और जब जेल का नंबर आएगा जेल भी देखेंगे, जब इमरजेंसी में हम 19 महीने काट सकते हैं तो आज क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो जनता का फैसला, जनता इसको बदलाव लाएगी, जनता बदलाव करेगी, जनता ने बिल्कुल मान लिया है। अब तक तो इंडिया गठबंधन का कोई पीएम का फेस ही क्लियर नहीं है। इंडिया गठबंधन का मैं कह रहा हूँ, पांच स्टेट में इनके मुख्यमंत्री का चेहरे नहीं है, पीएम का चेहरा तो बहुत बड़ी बात है, पांच स्टेटों में इनके वहां मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। सबसे अफसोस की बात है कि इनके पास इतनी बड़ी सरकार चला रहे हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, अफसोस की बात है, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इनके पास। तो ये है, और बताइए तो क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगा? इंडिया का ढूंढा का बहुत कुछ होगा, मजदूर दूर हो जाएगी, बेरोजगारों जो हमारे पटरी आसमान छुरा वो कम होगा, बहुत कम होगा, और जो रोजगार पहले लोग करते थे खुशहाली में रहते थे वही खुशहाली आएगी। क्यों ऐसा लगता है आपको? पहले से ही लगता है, मोदी जी 18-18 घंटा काम करते हैं देश के लिए। वो 24 घंटे काम करता है भाई, 18 घंटे नहीं, 24 घंटे वो
कपड़े बदलने में रहते हैं और मीडिया के आगे कैसे खड़ा हूँ, क्या करूँ, ये देश के प्रधानमंत्री का काम रहेगा। राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं लेकिन ओबीसी को टिकट भी ज्यादा नहीं देते। नहीं नहीं, सबको सबको टिकट मिलेंगे, ऐसा नहीं है सबको। वो कहता रहा हूँ, वो सिर्फ अपने कपड़ों पे ध्यान रखते हैं, कहीं जाएंगे पहले दूसरों को खड़ा नहीं होते थे बगल में, क्या क्या इसका फोटो ना आ जाए, उनका ही चेहरा चाहिए, उनका ही फोटो चाहिए। अभी राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा था कोई इमैच्योर है, वो ना समझ है, वो कैसे प्रधानमंत्री बने? मैंने कब कहा? मैंने कहा इंडिया का गठबंधन, मैंने राहुल का नाम ही नहीं लिया, इंडिया का गठबंधन 14 मुख्यमंत्री है और एक से एक चेहरा है उसमें भाई। 1977 क्लियर क्यों नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, इमरजेंसी में जेल में जनता पार्टी बनी थी, चुनाव के बाद में चेहरा क्लियर हुआ था। मुरारजी देसाई को चुनाव के बाद में बनाया था, ये जरूरी नहीं है चेहरा क्लियर पहले हो जाए, चुनाव के बाद में मुरारजी देसाई को क्लियर किया था। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से विदेशों में जो इंडियन है उनकी इज्जत बढ़ गई है। मैं कह रहा हूँ वो रो रहे हैं बेचारे, जब भी तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, कभी तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। चाचा क्या कहेंगे, गठबंधन तो झगड़ा करने लगा, अखिलेश एक तरफ भाग रहे हैं, राहुल गांधी एक तरफ भाग रहे हैं। ऐसा है, उन्होंने अपनी इच्छा रखी थी, हर पार्टी के नेताओं को हक है अपनी इच्छा रखने की, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन जो उनमें तनाव था वो खत्म हो गया, अखिलेश का बयान भी आ गया और उसने अपने नेताओं को भी कह दिया। चिरकुट कह के बयान आया है, अखिलेश ने नहीं कहा था चिरकुट, उसके किसी नेता ने कह दिया था, उसको उन्होंने उन नेताओं को सबको कह दिया है कि इस तरह का कोई बयान ना करें और गठबंधन में चुनाव लड़े। ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे सरकार बनेगी? लड़ेंगे नहीं ना, लड़ाई तो खत्म हो गई, वो तो ज्यादा किसी नेता ने कह दिया भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने थोड़ी ऐसा बयान दे दिया, किसी नेता ने कह दिया उसमें कोई भाई, जब दो भाई होते हैं बड़गर में दो बर्तन होते हैं, खटकते भी है, ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हो गया। सत्ता का लालच में आप लोग जो है मजबूरी में एक साथ आए हैं। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, देश को बचाने के, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देश को बचाने, देश तो जो है मोदी जी के टाइम में फल फूल रहा है, मोदी के जेब में इतना फल फूल रहा है कि हम लोग बर्बाद हो गए। क्या बर्बाद हो गए आप लोग यार, इससे ज्यादा बर्बाद क्या होंगे? 56,000 करोड़ का कर्जा और 156,000 करोड़ का कर्जदार हो गया आज हम देश विदेश के, तो 100 करोड़ मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं आप तो मीडिया वाले, रिकॉर्ड लिखवा लो उसका, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई प्रूफ कर दे, 112वें नंबर पे अगर मरी पे देश नहीं है तो मुझे बता दो। अच्छे दिन आ गए क्या? नहीं तो नहीं आए अच्छे दिन, आप क्या आ गए? अरे हमारे तो आ गए, हमारे तो नहीं आए, बेकार हो गए। विकास हो रहा है? नहीं हो रहा विकास, नहीं हो रहा है। अरे गठबंधन वाले झगड़ा कर रहे हैं, कोई चिरकुट बोल रहा है, कोई अखिलेश अखिलेश बोल रहा है, क्या कहेंगे? अब भाई जब आपस में कलह होगी तो फायदा तो लोग उठाएगा ना भैया। भैया सुनिए, इधर सुनिए ना, गठबंधन तो है ही नहीं ना, तो होगा वो तो ऐसे मतलब लपेट रहा है गठबंधन, गठबंधन ये तो ठगबंधन है, ठगबंधन है, ठगबंधन है भाई। ये मुझे जवाब बता दे, अगर वो ठगबंधन है तो तुम्हें डर किस बात का? डर कहाँ डर है? नहीं है, क्यों डर है? कहाँ डर, बिंदास है भाई, बिंदास है, मैं डर है। देश के गृह मंत्री 3 दफे कह चुके हैं मुकाबला राहुल और मोदी का चुनाव, देश के गृह मंत्री, इसके अंदर कहीं ना कहीं खोप है ना, डर। आप ये बताओ विपक्षी पता नहीं सोने के टाइम भी मोदी मोदी करके मोदी जी का प्रचार करते हैं, और डर डर तो उनको है जो सोते हैं, नींद में भी मोदी जी सपने में आता है, नींद में ही मोदी मोदी करते हैं। कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता, इन्हें सबकी इनकी नींद आराम हो रही है, क्या होगा? अगर इतना डर नहीं होता तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मंत्री हैं, उनको मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, जनता का कितना नुकसान होगा, वो विधायक बनेंगे। घबरा गई है मध्य प्रदेश में भाजपा, घबरा गई है भाजपा मध्य प्रदेश में, ये किसने, अंकल जी ने कह रहे हैं क्या? ये सब तो इसका वैसा ही है, मध्य प्रदेश में एकदम स्ट्रांग होके भाजपा आएगी। मुझे ये बताओ तो फिर सांसदों और जो है मंत्रियों को एक चीज बताओ कि ये जिस राज्य से बिलोंग करता है ना, अब उनको वहाँ जवाबदेही ज्यादा मिल रही है तो टिकट दे रहा है उनको, इसमें क्या दिक्कत है? कोई आम कार्यकर्ता नहीं मिला भाई, आम कार्यकर्ता भी टिकट मिल रही है, ऐसे कोई थोड़ा बात नहीं मिल रही है। अब सारे की सारे सीटों में थोड़े की मंत्री ही लड़ रहे चुनाव, वहाँ तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो मंत्री को हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि अभी जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना उनको, और छह अगर वो विधायक बन गए जीत गए तो 6-4 महीने बाद फिर एमपी का चुनाव होगा। फिर बीजेपी पर विश्वास अगर जनता को है तो रोज चुनाव होगा, तो रोज जनता चुन लेगी, इसमें आपको उदाहरण बता रहा हूँ। अगर हर 6 महीने में चुनाव होगी ना तो जनता चुन रही है ना, बताइए
हर 6 महीने में चुनाव होने में फायदा है नुकसान है। अरे भाई मोदी तो कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव होगा, विपक्षी का टंगड़ा रहे सरकार। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं ना विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बीजेपी एक साथ कराने के पक्ष में थी और उनने कानून वाले काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं ये अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा। मतलब ये सब सुनिए ना, सब कुछ में अगर इन लोग से पूछिए ना, जो इनके मुखुटे हैं, जो इनके मुखुटे हैं, हाँ बोलते रहिए, हाँ ये कहते हैं कि महंगाई ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, वो ज्यादा हो गया, लेकिन ये नहीं दिखता। अच्छा, 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 ये आप एक साथ जो है आम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में किस तरह से जो है चुनाव होगा, आपको कैसा लगता है कि किस तरह से चुनाव करा पाएंगे? देखिए एक साथ चुनाव होने से मतलब कि पार्टी को फायदा हो ना हो, किसी भी पार्टी को फायदा ना हो, लेकिन जनता को बहुत फायदा है। हाँ। इस बात को मानते हैं और सबको ही मानेंगे। कैसे चुनाव हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो बीच में किसी स्टेट में जो है सरकार जो है गिर गई, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2.5 साल 3 साल का इंतजार करेंगे? पूरी बात सुनिए, वो जो गिरने गिराने वाली बात है वो तो अलग बात है, लेकिन जहां तक अगर एक साथ होने का प्रयास हो, मान लिया जाए कि जहां एक साथ चुनाव होने हो, मतलब टाइम पूरा हो रहा है विधानसभा लोकसभा की, अब इनसे 4 ये राज्य में चुनाव हो रहा था, इनको हम 6 महीना खींच सकते थे और साथ में चुनाव होते, खींचे क्यों नहीं भाई? ये नहीं होने देते विपक्ष वाला ने, भाई आप लोग चुनाव एक साथ नहीं होने देते, ये नहीं, इनसे पूछो वर्तमान में जो चुनाव होते हैं उसके लिए आपके भाई में मशीन पूरी नहीं है। दूसरी स्टेट से एक चुनाव होता है, दूसरी स्टेट मतलब राजस्थान में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, मशीन चाहिए पहले तो उसके लिए कितना खर्चा आ रहा है, चुनाव आयोग ने भी कह दिया, कोर्ट भी कह रही है, तो एक साथ चुनाव का पहले एंगेजमेंट तो करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा हर 6 महीने बाद चुनाव हो जाए, तो जब मतलब मैंने कहा नहीं, अब मैंने कहा नहीं, पहले सुन लो, अभी इन्होंने कहा कि अगर 6 महीने बाद भी चुनाव होगा, मैंने मूड बताया आपको, या पहले सुन लो, हर 6 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, नहीं हर छह महीने नहीं नहीं सुनो, कितनी उम्र है तेरी? नहीं इन्होंने बोले, फिर वो बोल रहा है उसकी बात को, ये कर रहा है जनता, जनता के ऊपर, जनता किसी का मूड नहीं है। अरे आपका मूड क्या है, 24 में कौन आना चाहिए? अरे जो आए भाई, मेरे को मूड किसी का पर नहीं है, बस मोदी जी ने विकास किया है, मोदी जी या कोई पर विश्वास नहीं है मेरे को, ना बीजेपी वाला कांग्रेस तो किसी पर नहीं, क्यों विश्वास नहीं है? अरे ऐसी ऐसी बेंच में काम करता है तो खाता हूँ, गाली नहीं। ऐसा है वो सुनने की क्षमता नहीं रखते, हर 6 महीने में चुनाव और हो जाए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये चुनाव एक चुनाव एक विधानसभा में कितना खर्चा आता है उसका जवाब तो दे दे। इन्होंने तो कह दिया हर 6 महीने बाद जनता जिता देगी, तो इसका खर्चा कितना आता है ये कभी सोचा इन्होंने? कितना खर्चा आता है? बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत खर्चा आता है। अभी तो आप कह रहे हैं ईवीएम कम है, फिर बाद में ईवीएम करोना रोने लगेंगे आप लोग? नहीं, जो वर्तमान में चुनाव ईवीएम हो रहे वो इनके यहाँ पूरी नहीं है। हाँ मैं तो कहता हूँ बिलेट पेपर का चुनाव करा दो ना, और अगला ही खत्म करो मशीनों का, बैलेट से क्यों कराने चाहिए? जैसे पहले से हो रहा है, जिस देश ने ईवीएम बनाई थी वहीं खत्म हो गई, वहां उन्हें विश्वास नहीं रहा। जिस देश ने ईवीएम बनाई थी उस देश में चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं, वो देश ही ईवीएम को फेल कर चुका है, तो हमारे हमारे हमें क्यों रखा जा रहा है, हम पे क्यों वोट डाला जा रहा है? ईवीएम का संविधान से देश चलता है तो ईवीएम तक रहा है, संविधान से तो देश चल रहा है और किससे चल रहा है? संविधान को मानते कहाँ है, कौन नहीं मानना है? ये सरकार संविधान को तो ठुकराने का काम करती है। हमें